नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं कंप्यूटर के आंतरिक संरचना, जिसको हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ किया था और आगे की प्रोसेस हमने छोड़ दिया, आगे की स्टेप्स हमने छोड़ दिए थे। तो आज हम आगे की स्टेप पढ़ते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था सीपीयू, सीयू, एयू, एमएमयू, रेल और वो, इतना हमने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत कंप्लीट किया था। हम एक बार और उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से जब कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा इनपुट किया जाता है तो वो जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर डेटा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट, और इस पर जो लॉजिकली डिसीजन लेने का काम करेगा वो है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अंकगणितीय तर्क इकाइयां। इसके बाद यहां पर मेन मेमोरी यूनिट होता है, जिसे हम शॉर्ट से एमएमयू कहते हैं। एमएमयू के अंतर्गत दो मेमोरी होती है, रैम और रोम। ये अस्थायी मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये स्थायी मेमोरी, यानी इसके अंदर जो डेटा लिखा जाता है वो एक बार लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। इन प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम के भी प्रकार है और रोम के भी प्रकार है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ आंतरिक संरचना देखेंगे किस प्रकार कंप्यूटर कार्य करता है। फिर इनके सभी के अलग अलग जो कि प्रकार उसके अंतर्गत आए हैं, एयू के प्रकार में प्रारंभिक समय का एयू और वर्तमान समय का एयू, प्रारंभिक समय का सीपीयू और वर्तमान समय का सीपीयू, तो इनके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी पे आ जाते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है हार्ड डिस्क एचडीडी, जिसका पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसके फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, एफडीडी यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये सब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। इसके अलावा हम पेंडर की बात करें, फ्लैश ड्राइव की बात करें, मेमोरी कार्ड की बात करें, तो ये सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज आएंगे होंगे। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर प्राइमरी मेमोरी को हम कहेंगे रैम और रोम, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, क्योंकि जैसे ही सिस्टम को हम पावर देते हैं तो जो सबसे पहले एक्टिवेट होती है वो है रैम और रोम। ये दोनों ही मेमोरी प्रारंभ स्टेप में अपडेट होती है, स्टार्ट होती है, और कंप्यूटर को एग्जीक्यूशन के दौरान फाइलों को ला करके देने का काम या एग्जीक्यूट करने का काम करती है। इसलिए दोनों को ही हम प्राइमरी मेमोरी कहेंगे और ये सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम जो है ये वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है, जबकि हमारा हार्ड डिस्क वगैरह जो है ये नॉन वॉलेटाइल के अंदर आता है, यानी जिसके माध्यम से ऐसी मेमोरी जो पावर लेकर के चलती हो, डेटा को स्टोर करती हो, वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। जबकि जैसे हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव में आप आज डेटा स्टोर करेंगे तो दो बार आपको प्राप्त कर पाएंगे बिना किसी पावर के, डेटा स्टोरेज में रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस पूरे चित्र को जो एग्जीक्यूट करवाता है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जो उपस्थित होता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे हार्डवेयर तंत्र को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। समय समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बदलाव हुए और कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आए। जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस में आया वो था डॉस। डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने ओएस के आगे लगा दिया डी, तो ये हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका नाम क्यों दिया गया इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, एफडीडी है। हमने देखा होगा कि सभी के फुल फॉर्म में को देखें तो ये सब डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और जो ये ओपन सिस्टम था, जब इसको बनाया गया था, मैन्युफैक्चर किया गया था, तो इन डिस्क को ध्यान में रखा गया था। खासकर तो फ्लॉपी डिस्क उस समय वर्चस्व में थे, 1980 के दशक में, 1979 से 80 के दशक की बात है ये, तो उस समय ये वर्चस्व में था, तो उसी समय इसके माध्यम से यानी सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में एफडीडी का प्रयोग होता था। इसको ध्यान में रखकर कि यहाँ पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रख दें या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर रख दें जो इस पूरे तंत्र को एग्जीक्यूट करता हो, क्योंकि इसके पहले कमांड बेस्ड ऑपरेट
किया जाता था। एक कंपाइलर यहाँ पर ऑपरेट कर रहा होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं था, या ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कार्य होता था लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार से नहीं दिया गया था। तो फ्लॉपी को ध्यान में रखकर के ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया था, पीसी डोस नाम ऑपरेटिंग सिस्टम पहला आया था जो आईबीएम के द्वारा बनाया गया था। उस समय बिल गेट्स जो कंप्यूटर के स्वामी कहे जाते हैं, उन्होंने आईबीएम के पीसी के लिए पीसी डोस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया था। तो ये जो है खासतौर पर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी, क्योंकि हार्ड डिस्क वर्सेस तो धीरे धीरे बढ़ने लगा था, तो हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या या इनके माध्यम से ऑपरेट करने के कारण इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये सब डिस्क है और डिस्क के माध्यम से ही ये ऑपरेट किया जाता है। यानी यहाँ पर इसकी मूल सोर्स फाइलें हैं वो कहीं ना कहीं ये डिस्क में होती है, या तो हम हार्ड डिस्क में रखेंगे या सीडी में रखेंगे या डीवीडी में रखेंगे या एफडीडी में रखेंगे, और इनके माध्यम से ही ये ऑपरेट होता है। तो डिस्क के माध्यम से ऑपरेट होने के कारण इस ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम दिया गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे आज अच्छा से आपको याद रहेगा कि किस क्यों दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का नाम, डॉस क्यों कहा गया। अब इसके बाद के जो इसके वर्जन आए, प्रारंभिक समय का जो वर्जन था वो कहलाया था पीसी डॉस, पर्सनल कंप्यूटर का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन बाद में इसका नाम हो गया एमएस डॉस, क्योंकि पहले बिल गेट्स जो कि आईबीएम कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने जो आईबीएम ज्वाइन किया था, अपनी जो जॉब थी वो आईबीएम को छोड़ दिया था उन्होंने, और आईबीएम को छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, और जो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कर इसके बाद जो ओपन सिस्टम उन्होंने लॉन्च किए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो वो ओपन सिस्टम कहलाए एमएस डॉस, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। ये पूरा अभी तक जो मैंने समझा ये हार्डवेयर पार्ट है, इसके अंतर्गत इनपुट आउटपुट सीपीयू एलडी ये सारी चीजें हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत, लेकिन इस हार्डवेयर को एग्जीक्यूट कौन करता है, तो इसको जो एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वित करता है, संचालन का काम जो करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं जिस प्रकार से हमारे सर्व संचालन के लिए आत्मा का होना जरूरी है, सेम उसी प्रकार कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता लगती है। बस शर्त इतना है, फर्क इतना है कि हमारी आत्मा जाने के बाद, यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जाने के बाद, हम उसे जो है कि रीइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जाने के बाद इसे आप रीइंस्टॉल कर सकते हैं, दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की मूलभूत जो इसके तथ्य दिए गए वो सेम आत्मा के समान ही दिए गए, जिस प्रकार आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा को छुआ नहीं जा सकता, इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम को छू नहीं सकते, यानी ये है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते आप, छू नहीं जाओगे हार्डवेयर को, इनकी परिकल्पना कर सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका यूज कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम बने कैसे होते हैं, तो प्रोग्रामिंग कोडिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं, कई प्रोग्राम से लिखे जाते हैं, प्रोग्राम के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार किया जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है, तो सबसे पहले मेन चीज है समझे तो पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करता है। संचालित करने के बाद यानी दोनों ही काम होगा, इसके बारे में कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित या नियंत्रित करता है, यानी ऐसा नहीं है कि आपने पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, छोड़ दिया कि चलो अब चलते रहना, उसको प्रॉपरली नियंत्रित भी करेगा, कंट्रोलिंग का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, यानी मेन पावर जो है या मेन बेस जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये कार्य नहीं करेगा। अब इसमें भी हम इसकी यूनिट्स को समझ लेते हैं, कंप्यूटर इकाई को समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर यूनिट या सिस्टम यूनिट को तीन भागों में बांटा गया है, तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे नाम दिया गया था पीसी डॉस, पर्सनल कंप्यूटर का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट
की स्थापना होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने एमएस डॉस का निर्माण किया। एमएस डॉस क्या है? एमएस डॉस एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक ही यूजर एक बार में इसको चला सकता है। लेकिन उस समय का एक वर्चस्व वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था, क्योंकि उस समय इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आज हम ग्राफिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ग्राफिकल एनवायरनमेंट में भी हाई ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे विंडोज 10 आया, अच्छा ग्राफिक्स है, लेकिन उस समय इस प्रकार का ग्राफिक्स नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर ये काम कर रहे होते थे। तो ये जो ओपन सिस्टम था ये था सिंगल यूजर, साथ ही साथ इसे कहा गया CUI, CUI मींस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI, जबकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो CUI होने के बावजूद भी आज भी कई जगह ओपन सिस्टम DOS का प्रयोग होता है। इसका कारण क्योंकि ये पूरा कमांड बेस है, और ऐसे जितने भी एप्लीकेशन है जो कहीं ना कहीं कमांड के बेस पर काम करते हैं वहां सभी जगह आज भी DOS का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ निर्माता, यदि हम बात करें आज विंडोज एनवायरनमेंट की, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट की बात करें, इंटरफेस की हम बात करें, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी इसी CUI से आया। यानी पहला बॉस कौन है, पहला मैनेजिंग कौन है, या सीनियर पर्सन की बात करें तो वो है CUI। उस CUI होने के कारण आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी कोई विंडोज के अंतर्गत भी कोई एरर आती है तो विंडोज अपने ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट से एरर को रिमूव नहीं किया है इसका। कुछ एरर इस प्रकार की होती है कि जिसे हमें रिमूव करने के लिए CUI की आवश्यकता होती है, यानी कमांड यूजर इंटरफेस की आवश्यकता होती है, और उस कमांड यूजर इंटरफेस में हम विंडोज एनवायरनमेंट में भी DOS को ओपन करते हैं। यानी विंडोज आया तो ऐसा नहीं है कि DOS को रिमूव कर दिया गया, DOS को हटा दिया गया और नया विंडोज, हम जो अभी चला रहे हैं हम विंडोज के अंतर्गत DOS को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी DOS के अंतर्गत ही नई कमांड्स को जोड़ा गया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को जोड़ा गया था, उसको हटाया नहीं गया था। और इसीलिए आज विंडोज पर कमांड करने के लिए भी, विंडोज को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए या एरर्स को रिमूव करने के लिए हम चाहते हैं कि हर समय हम कंप्लीट रहें, कभी भी कोई एरर आए, कोई समस्या क्रिएट हो हमारे साथ में तो हम उसको रिमूव कर सकें। तो उसके लिए भी, या कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करवाना है उसके लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम DOS को सीखना जरूरी है। तो हम यहाँ पर दोनों तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टमों को सीखेंगे, जिसके अंतर्गत DOS हम सबसे पहले सीखेंगे, इसके बाद विंडोज सीखेंगे, उसके बाद हम लिनक्स भी सीखेंगे। लिनक्स भी एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने आप में, शायद उसका नाम कम ही लोगों ने सुना है, जो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से परिचित है, जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर एनवायरनमेंट से परिचित है, वो लोग तो विंडोज DOS विंडोज के अलावा लिनक्स को भी जानते हैं, लेकिन जो नहीं है उनके लिए लिनक्स एकदम नया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसको भी हम अपनी क्लास के अंतर्गत सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लिनक्स की कार्यप्रणाली होती है, किस प्रकार से उसे ऑपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम DOS और विंडोज को भी ऑपरेट करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले ये एनवायरनमेंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। इंटेल स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, पूरे हार्डवेयर कंप्यूटर को एग्जीक्यूशन करने का काम करता है, इसलिए हमेशा इसकी इमेज आपके माइंड में होना चाहिए जिस प्रकार से, और ये चीजें मैं अपनी क्लासेस में अधिकतर बताता रहता हूँ कि आपको जब भी पढ़े तो इमेजनरी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, हर एक चीज का डायग्राम आप इमेज के रूप में बनाएं। इमेजिंग मीन्स जैसे हम कह रहे कि आपसे मैंने कह दिया कि आप भोपाल जाएं, तो जब हम जाते हैं भोपाल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर उसका बन जाता है कि भोपाल स्टेशन कैसा है। यदि हम पहले गए हुए हैं तो एक बार जब हम देख के आया तो उसी का हम इमेज बना सकते हैं, जिसे हमने नहीं देखा है उसका इमेज नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको देखा है, तो जैसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आगे हम पहुंच जाएंगे, इस स्ट्रक्चर को मैं आपको ओरली समझाऊंगा बताऊंगा, यानी वहां पर हमारे सामने डायग्राम नहीं होगा, लेकिन हम बात करेंगे CUP, AU की, MMU की, RAM की, ROM की, कि कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो आपको जब भी ऐसा कहा जाए कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान ऐसा होता है, तो आपको आपके माइंड में ये बात आ जाना चाहिए कि हार्ड डिस्क से फाइल लोड हुआ है और वो रैम में आया, यानी ये स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। और इस स्ट्रक्चर को जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रैम का क्या कार्य होता है, तो रैम का कार्य हमने पढ़ा था कि यहाँ से फाइलों को लेकर के रैम कुछ समय के लिए अस्थायी स्पेस देता है और वो
ऐसा स्पेस पर यानी उस रैम में कुछ समय के लिए प्रोग्राम रुकता है और यहाँ से सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए पहुंचाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। डेट टाइम को हम कई बार कहेंगे कि बायोस का लोकेशन उठा के लेके आता है और बायोस के लोकेशन से काम करता है, तो फिर आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए कि रोम जो स्थायी मेमोरी है जहाँ पर फिल्टर निर्धारित है, कुछ वैल्यूज में स्टोर की जाती है, तो ये स्ट्रक्चर आपको आ जाना चाहिए। हार्ड डिस्क या डीवीडी या फ्लॉपी की भी बात हम करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका आपके माइंड में इमेजिनरी बन जाना चाहिए। इसलिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और हम शुरुआत भी इसी से इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाए कि इस प्रकार का कंप्यूटर होता है, इस प्रकार से उसकी कार्यप्रणाली होती है। और यही पे उपस्थित होता है ओएस। ओएस की ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली समझने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताएं, तो हम यदि ये स्ट्रक्चर हमें याद है और ज्यादा कठिन भी नहीं हो जाएगा उस तरह से, तो ये स्ट्रक्चर यदि याद है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो कार्य हो गया कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करेगा, हार्डवेयर को संचालित करने के साथ में नियंत्रित भी करेगा। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि कितनी मेमोरी है, कि कौन कौन सी प्रोसेस क्रिएट हुई है, तो प्रोसेस क्रिएशन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। प्रोसेस पर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के साथ में उस पर नियंत्रण रखने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके अलावा प्रोसेस आइडेंटिफायर से भी होते हैं, उन प्रोसेस आइडेंटिफायर को एग्जीक्यूट करवाने का काम भी ओपन सिस्टम का ही होता है। इनपुट से कोई डेटा लिया है यानी इनपुट का मैनेजमेंट भी ओपन सिस्टम करता है, उसको प्रोसेसर को दिया है तो प्रोसेसर पर निगरानी यानी इस हार्डवेयर तंत्र का मेन बॉस सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी ये ब्रांच मैनेजर। हमने बैंक का उदाहरण लेकर के इसको समझा था, तो ये हो गया हमारा ब्रांच मैनेजर। लेकिन इसका बॉस को आपने देखा होगा कि सभी ब्रांचों के जो शाखा प्रबंधक होते हैं उनके भी ऊपर जो है कि रीजनल ऑफिसर होते हैं, तो यानी इसका रीजनल ऑफिसर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इस पूरे तंत्र को भी एग्जीक्यूट करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बिना ये काम नहीं कर सकता। तो यानी इनपुट और इनपुट मैनेजमेंट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट दोनों का मैनेजमेंट करने का काम भी सीपीयू करता है। तो ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जैसे यूजर मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इस प्रकार के सारे कार्य ओपन सिस्टम के होते हैं। तो उनको सभी को याद रखने के लिए, उनका भी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे, तो याद रखने के लिए मेन चीज बताना चाह रहा हूँ आपको वो कि इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये ऑलरेडी आपको बनाना आना भी चाहिए। इसके अंतर्गत से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस स्ट्रक्चर से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आगे सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि HCUI है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। तो ओपन सिस्टम का जो निर्माण हुआ माइक्रोसॉफ्ट के जनक है बिल गेट्स, वो जब IBM में काम कर रहे थे तब IBM के पीसी के लिए ओपन सिस्टम बनाया जिसका नाम दिया था पीसी डोस, पर्सनल कंप्यूटर का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद उन्होंने जब IBM को छोड़ दिया, इसके बाद खुद की कंपनी MS की स्थापना की, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने DOS के कई वर्जन बनाए, DOS के 1.0 से लेकर के तो 7.0 तक के वर्जन बनाए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने पहला बनाया उसमें जो कमियां थी उन कमियों को दूसरे वर्जन में पूरा किया, उसमें जो कमी थी उसको तीसरे वर्जन में, और इस प्रकार से 7.0 तक के यानी DOS का 1.0 से लेकर के 7.0 तक के वर्जन मार्केट में आए, अवेलेबल करवाए गए, जो एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की परिकल्पना की 1989 में, और उसके बाद विंडोज के वर्जन उपलब्ध कराए गए। तो हम सबसे पहले DOS को ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से CUI काम करता था और किस प्रकार से उसकी कमांड हम चला सकते हैं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उनकी कार्यप्रणाली, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है स्टूडेंट के एंड में कि जब हम विंडोज एनवायरनमेंट के अंदर विंडोज 10 का यूज कर रहे हैं ऐसे में
ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस की क्या उपयोगिता, तो मैंने आपको बताया कि बहुत जगह अभी वर्तमान समय में भी डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग डॉस बेस्ड एप्लीकेशन चल रहे हैं और उन एप्लीकेशनों को ऑपरेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं डॉस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हम डॉस को स्टार्टिंग से ही अगले चैप्टर में हम लेकर के चलेंगे, डॉस को कैसे ऑपरेट करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसके कमांड को चलाएं, और उसके बाद डॉस पूरा हो जाने के बाद जो है कि हम पढ़ेंगे विंडो। लेकिन उसके पहले हमारे कुछ और भी स्टेप्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क से लोड होने की पूरी प्रोसेस, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होकर के आता है तो वो आता है रैम के अंतर्गत, तो उस समय का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा हमारा बूटिंग प्रोसेस। तो इसके पहले हम बूटिंग प्रोसेस जो कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिस्क का फिजिकल स्ट्रक्चर और बूटिंग प्रोसेस, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जो भी कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। धन्यवाद।